गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप भाई आप सब बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, आज जा रहे हैं भाई ड्रैग रेस करने। ये रही ये अपनी कंपटीटर जिससे ड्रैग रेस होगी। चलते हैं बाहर, सनरूफ खोल रखी है भाइयों ने। यार इसमें ये चीज़ अच्छी है नेक्स्ट वन में, इसमें बेस मॉडल में भी ना सनरूफ का ऑप्शन आ गया और ब्रेजा में अब जाकर आया। तो भाई ऐसे ही मन कर गया था, घर पे बैठे हुए थे, खाली थे, कुछ करने को था नहीं, तो हमने सोचा आज ड्रैग रेस ही कर लेते हैं। वैसे कोई हमारा यार वो नहीं है मोटिव कि हमें ड्रैग रेस ही करनी है आगे भी, पर यह ठीक है कर लेते हैं यार कभी कभी जब कुछ होता नहीं है ना करने के लिए। तो अब देखते हैं यार गाड़ी की पावर क्या परफॉर्म करती है, इसका लाइट वेट इसे जिताएगा या इसकी पावर इसे जिताएगी, अब वो देखेंगे आगे। ज़्यादा 100 मीटर की होगी ड्रैग, ये रहा अपना ट्रैक, वहाँ से होगी स्टार्ट। तो ज़्यादा लंबा तो है नहीं ट्रैक, मतलब नॉर्मल ठीक है 100 मीटर में, तो वहाँ पता लग ही जाएगा पावर लॉन्च वगैरह का सब कुछ आइडिया हो जाएगा। अब देखो दोनों गाड़ी सेम सेगमेंट की हैं, दोनों सब 4 मीटर हैं। और अगर ब्रेजा की बात करें तो भाई ये आती है K15B ISG पेट्रोल इंजन के साथ, ठीक है 1462 cc में। और इसकी पावर की बात करें तो भाई पावर ये प्रोड्यूस करती है 138 Nm का टॉर्क 103 BHP के साथ। और अगर आते हैं नेक्सॉन पे, नेक्सॉन भी भाई देखो अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत हैवी भी है। ये आती है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज के साथ, और पर ये डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी देखे जाए सीसी तो ये आती है 1200 cc में। और इसकी पावर इससे मतलब काफ़ी हद तक ज़्यादा है, 118 BHP और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है भाई ये गाड़ी। चलो देखते हैं भाई कौन विनर होगी, स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस। गाड़ियों ने पोजीशन ले ली है, एसी कर देते हैं बंद, ठीक है बराबर कर ले बराबर ये पोजीशन पे रेडी। अरे इसको नहीं लगी, ओए सुन थोड़ा पास आ, कहीं बोनेट में मत निकल जाए साथ हमारे, थोड़ा और भी पास आ बस, ठीक है रेडी है, एक मिनट रुक जा, ठीक है तीन हॉर्न पे एसी कर ले, एसी बंद कर ले, एसी बंद है, ट्रैक्शन वगैरह तो नहीं है ना उसमें, इसमें भी नहीं है। चल भाई, ये तो सीधी सीधी जीती है बहुत प्यार से। वो देखो वो रही नेक्सॉन। तो भाई फर्स्ट राउंड तो हम जीत चुके हैं यार, उसमें पावर ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, BHP भी वगैरह मतलब टॉर्क वगैरह इतना ज़्यादा है फिर भी यार, और ऊपर से टर्बो चार्ज। क्या हुआ भाई? ऐसे ही होता है। अब यार इसकी तो पावर भी ज़्यादा है, टर्बो चार्ज इंजन है वैसे भी। चल अभी एक राउंड और करते हैं, उसके बाद फिर थर्ड राउंड तू मेरी चलाई हो, मैं अली चलाता हूँ, ठीक है 1 2 3। लो भाई छोड़ दिया पीछे। कहने की टर्बो चार्ज है भाई बस। चलो भाई तीसरा राउंड है ये, ठीक है गाड़ी हमने कर लिया स्विच, ठीक है यही बोलता भाई को चलाएंगे। मुझे लग रहा है ड्राइवर में दिक्कत है। चलो ठीक है भाई नेक्स्ट वन में आ गए, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस, अब पता लग जाएगा गाड़ी में दिक्कत है या ड्राइवर में दिक्कत है। चलो रेडी, ठीक है दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा लैग है यार नेक्सॉन में। ये जो टर्बो चार्ज है ना इसकी वजह से बहुत ज्यादा लैग है।
मतलब फर्स्ट गियर से ही लैग है, इसका लॉन्च इतना अच्छा नहीं है। देखते हैं भाई, बाकी देखो जीत तो ब्रेजा गई है अपनी, सीधी सीधी क्लियर विनर है। बाकी भाई से पूछते हैं उसे कैसा लगा, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे लॉन्च करना नहीं आ रहा, पर वो अच्छे से लॉन्च करके ले गया ब्रेजा को। तो भाई बहुत बुरी तरह हार गया यार। देखो यार, जो नेक्सॉन लवर हैं सॉरी उनके लिए, पर भाई ड्रैग रेस में ब्रेजा हरा देती है अगर एसी ऑफ हो तो, क्योंकि एसी ऑन करने के बाद तो यार थोड़ी पावर मतलब दबती है गाड़ी है, पर बिना अगर एसी ऑफ करके चलाए ना तो बहुत अच्छी भाई, मतलब पिकअप भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है, बिल्कुल अपनी फुल पावर में चलती है गाड़ी। भाई क्या हुआ आपको पहले राउंड में बताओ, पहले और दूसरे राउंड में? कुछ नहीं, बस यही बॉडी वेट की वजह से, और इसका जो टर्बो चार्ज इंजन है। तो क्या लॉन्च में भी दिक्कत आई थी कुछ? लॉन्च में दिक्कत आ रही थी, वो 2000 जब तक पहुंचते थे तब तक रेस खत्म। हाँ तो वही यार, जैसे मैंने ये थी थर्ड राउंड में जब मैंने चलाई ना, तो इसमें है लैग भाई। भाई बताओ गाड़ी, भाई रेस लगाने में मजा आ गया आज। मजा तो आ गया, मतलब क्या बहुत बुरी तरह नहीं आ रही यार वो गाड़ी? बहुत बुरी तरह आ रही है ये देख के। पर यार वैसे कोई दिक्कत नहीं है नेक्सॉन में भी मेरे ख्याल से ना, ड्राइवर एक तो उसे लॉन्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था है ना, और बाकी उसका बॉडी वेट भी है गाड़ी का। पर भाई यार एक चीज देखा जाए ना, तो यार उसकी पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है, और एक ऊपर से टर्बो चार्ज इंजन है। सेकंडली दोनों नई की नई गाड़ी है, गाड़ी तो देखो दोनों नई है ठीक है देखा जाए तो, पर ये 1.5 सीसी है भाई, मतलब 1500 सीसी, और वो आती है 1200 सीसी। वैसे यार देखो सीसी का फर्क पड़ता है, पर जब बीएचपी उसकी ज्यादा और टर्बो चार्ज इंजन है तो भाई मुझे नहीं लगता वो मतलब ऐसे कंपैरिजन फिर होना चाहिए था। मन सेट कर वो आया तो रेस। देखो कंपैरिजन तो फेयर था, बिल्कुल ड्रैग रेस भी फेयर थी, कोई इसमें हमने दिक्कत नहीं करी। हाँ ठीक है लॉन्च में दिक्कत आई होगी वो नहीं बोल सकते, बाकी जब मैंने नेक्सॉन चलाई थी तो था उसमें भाई लैग, क्योंकि मैं तो लॉन्च सही कर रहा था अपनी गाड़ी, पर नेक्सॉन में है यार थोड़ा सा लैग। पर कोई नहीं यार, ड्रैग रेस तो चलती रहती है, अब आपको अगली बार भी दिखाएंगे कोई अच्छी ड्रैग रेस है ना। जैसे जैसे गाड़ी आती रहेंगी भाई वैसे वैसे करते रहेंगे, मतलब अगर फ्री हुए तो, वरना तो अपना व्लॉगिंग तो स्टार्ट है ही। बाहर हम इसलिए नहीं आ रहे घूमने क्योंकि भाई अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा कि भाई बाहर ना खाना है ना कुछ करना है, तो बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। और यार बात करते करते रॉन्ग साइड भी आ गए, गलत आ गए। मोड़ 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 है ना, नहीं तो यार आप भी बोलोगे कि यार बोलता रहता ट्रिप के लिए जाता है नहीं। पर भाई मेरा ना सच में इस बार नवंबर में प्लान था, पर अभी मैंने कुछ मेरे पेट में यार दिक्कत थी, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें इन्फेक्शन निकला पेट में, तो यार उसकी अब थोड़ा सा कोर्स चल रहा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, लाएंगे ठीक है, दोबारा दूसरी कोई गाड़ी आएगी उससे भी ड्रैग करवाएंगे। आप मतलब जो भी होगा होगी ड्रैग रेस, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग अलग गाड़ी है और ये अलग गाड़ी है, देखो दोनों गाड़ियों का सेगमेंट सेम था इस वजह से हमने ड्रैग करी, वरना तो नहीं करते ठीक है। जल्दी अब थोड़ी बड़ी गाड़ी की भी ड्रैग रेस लाएंगे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।